हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेंपल्स। आज ये सेशन जो है रेकी का स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन टाइम आ गया है और आप लोग होप कर रहे होंगे कि इस साल तो आपका एग्ज़ाम प्रॉपर हो जाए, अच्छे से पढ़ाई वगैरह पता नहीं करी है या नहीं करी है, बट ये लास्ट राउंड चल रहा है। तो आप लोग अपने स्टडी टिप्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको रेकी के स्टडी टिप्स दूंगी, कि जिन लोगों ने रेकी नहीं भी सीखा वो जो है कैसे एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं और अपना आउटपुट अच्छा दे सकते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्मेंस का एक डर और भय मन में बैठा रहता है कि कैसा होगा, क्या होगा, हमेशा एक एंग्जाइटी बिल्डअप रहती है। तो जो ये एंग्जाइटी है ये जो है आपकी पढ़ाई में हैम्परिंग करती है। एंग्जाइटी जो होती है वो नेगेटिव थॉट से बनती है, क्योंकि ज़्यादातर माइंड जो है नेगेटिव थॉट्स में रहता है, क्या होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो सेल्फ डाउट्स हैं अपने ऊपर, तो अभी से सेल्फ डाउट्स पे ध्यान ना देके, उन थॉट्स को ना लाके, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रेकी एफर्मेशंस, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टडी से लेके मॉर्निंग में उठते ही एफर्मेशंस करते हैं पढ़ाई को लेके, तो वो आपके लिए पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। स्पेशली द मोमेंट यू वेक अप, जैसे ही आप सुबह उठें और जैसे ही आप फ्रेश वगैरह हो जाएं, माइंड चलने लगता है, उसके बाद आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है अपनी पढ़ाई को लेके। और एफर्मेशंस बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड आई एम स्पेशली द सब्जेक्ट दैट यू डोंट लाइक, उसके बारे में आपने पॉजिटिव बोलना है कि ये सब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है इट इज़ ईजी फॉर मी, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट। तो इसमें एक इन वर्ड्स को इंक्लूड करें कि मेरे लिए मैथमेटिक्स को समझना बहुत ही ईजी और बाएं हाथ का खेल है। मैं प्रो हूँ मैथमेटिक्स में, मैं प्रो हूँ, आई लव मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मेरे दिमाग में बहुत आसानी से बहुत जल्दी घुस जाता है। मैथमेटिक्स इज़ क्विक एंड ईजी, इट इज़ द मोस्ट लविंग सब्जेक्ट। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, किसी के लिए फिज़िक्स हो सकता है, किसी के लिए केमिस्ट्री हो सकता है, किसी के लिए कॉमर्स हो सकता है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपका झगड़ा है, वो झगड़ा छोड़ के उसके बारे में 5 मिनट की एफर्मेशंस मॉर्निंग में उठते ही ज़रूर करनी है आपने, कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये सब्जेक्ट जो है इसमें तो मैं प्रो हूँ, ये जो सब्जेक्ट है मेरे लिए इजी टू लर्न है, ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये सब्जेक्ट की सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मेरे लिए ये सब्जेक्ट सबसे प्रिय है, सबसे वंडरफुल है, सबसे ईजी है, आई एम फैसिनेटेड बाय दिस वंडरफुल सब्जेक्ट। मेरे माइंड में ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती जा रही है, मेरी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती जा रही है और मेरे इस सब्जेक्ट में तो सबसे अच्छे नंबर आने ही आने हैं। तो ये इस तरह की एफर्मेशंस आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट मॉर्निंग में अपने इस सब्जेक्ट को, जिसको आप सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, ये रेकी एफर्मेशन उस सब्जेक्ट के लिए रखें, तो आप जो हो ईज में आ जाओगे। और कोशिश करो एक ऐसी मेमोरी लाने की जब आपने उस सब्जेक्ट में शायद कभी ना कभी कोई अच्छे नंबर लाए थे। अगर आप अच्छे नंबर नहीं भी लाए थे, उस मेमोरी को इवोक करो, किसी और बच्चे के उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, किसी साइंटिस्ट के उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, उस मेमोरी को इवोक करो, वाओ उस बंदे को इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिले हैं, वाओ ये सब्जेक्ट में तो लोगों के नंबर आते हैं, वाओ ये सब्जेक्ट, अगर उस व्यक्ति के नंबर आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं, लवली ये सब्जेक्ट तो बड़ा ईजी है, अगर उस व्यक्ति को समझ में आ गया तो मुझे भी आ सकता है। और उस मेमोरीज़ को रिकॉल करें, अपनी हो या दूसरों की, उसको अप्रिशिएट करते जाएं। तो जब आप एप्रिसिएशन की एनर्जी में रहते हैं तो आपका जो उसके प्रति नेगेटिविटी है,
क्रोध है या फियर है या डाउट है वो डिसॉल्व होता चला जाता है। फियर की डाउट की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, कॉन्फिडेंस की लेवल अप होता जाता है। तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल अप करना है, माइंड में वो सब्जेक्ट अपने आप घुसना शुरू हो जाता है, वेरी इजी। अगर आपको मेरे से और टिप्स चाहिए तो मुझे कॉल करें, रेकी का वर्कशॉप करें, इट्स अ गुड टाइम टू लर्न रेकी टू इंक्रीज योर माइंड पावर। कॉल मी ऑन माई नंबर 9811142249।